इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में आज दूसरे फेज के चुनाव का शोर थम जाएगा और दूसरे फेज में सबसे बड़ा संग्राम नंदीग्राम है, जहां मुकाबला सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच है। दोनों नेता धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और नंदीग्राम में ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रोड शो कर रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और बता दें, अब से थोड़ी ही देर बाद अमित शाह का भी रोड शो शुरू होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी के लिए अमित शाह रोड शो करेंगे। एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती भी आज नंदीग्राम में ही है और थोड़ी देर में उनका भी रोड शो होगा। तो नंदीग्राम में इस वक्त ममता बनर्जी लोगों के बीच रोड शो कर रही हैं और जैसा कि आपको बताया, बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम में रोड शो करने वाले हैं और लोगों का भारी उत्साह दोनों ही तरफ नजर आ रहा है। और इसके अलावा बता दें, बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम में ही रोड शो हैं और माहौल बनाने की कवायद उनकी तरफ से भी होने वाली है। नंदीग्राम में अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह का रोड शो होने वाला है। इस रोड शो में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं की लंबी कतार नजर आ रही है। रोड शो में शामिल होने के लिए कई मुस्लिम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में नंदीग्राम में प्रचार में जबरदस्त टक्कर है। दूसरे चरण में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम और नंदीग्राम में आज दिग्गजों का रोड शो। ममता बनर्जी इस वक्त रोड शो कर रही हैं, वहीं शुभेंदु अधिकारी के समर्थन के लिए अमित शाह के रोड शो की शुरुआत अब से थोड़ी ही देर में होगी। नंदीग्राम में कितनी भीड़ है, अमित शाह के रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट देखिए। नंदीग्राम में चुनावी संग्राम चरम पर है और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, यहां से अमित शाह का रोड शो शुरू होने वाला है और रियापाड़ा जहां ममता बनर्जी का घर है वहां तक के ये रोड शो होगा। ये रोड शो कहां से शुरू हो रहा है नीरज जी और कहां तक जाएगा? देखिए, इस चौक से शुरू होकर शिव मंदिर तक ये रोड शो जाने वाला है। पूरा रास्ता जाम है, पूरा नंदीग्राम आज इस सड़क पर मौजूद है अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए, अमित शाह जी का इस्तकबाल करने के लिए, क्योंकि नंदीग्राम ही वहां वो संग्राम की जगह है जहां से परिवर्तन हुआ है। आज से 14 साल पहले ममता दीदी ने यहाँ के कंधे पर सवारी करके यहाँ के आंदोलन के द्वारा सत्ता प्राप्त की थी। आज यही नंदीग्राम उनको सत्ता से बेदखल करेगा और शुभेंदु अधिकारी जीत करके जाएंगे। मोदी जी को लेकर के, अमित शाह जी को लेकर के जिस प्रकार का जन समर्थन यहाँ पर है वो शुभेंदु अधिकारी की जीत का पताका फहराएगा। और जिस प्रकार का सड़क पर मूवमेंट हो रहा है, जनता जिस प्रकार निकल करके आ रही है, वो दिख रहा है कि आने वाले दिन परिवर्तन के दिन है। 1 तारीख को तृणमूल निर्मूल हो जाएगी और कमल का फूल इस नंदीग्राम में खिलेगा, पद्म फूल खिलेगा। कितनी भी पूरा नंदीग्राम आज इस सड़क पर मौजूद है, पूरा नंदीग्राम इस सड़क पे मौजूद है, हम सबके बीच में है। आम जन यहाँ पर आया है, किसान आया है, युवा आया है, बेरोजगार जो युवा है, महिला अपनी सुरक्षा की चिंता करके आई है कि उनको सुरक्षा चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए और किसान को उनका सम्मान चाहिए जो मोदी जी देने को तैयार है। देखिए, तमाम समर्थक यहाँ पर बीजेपी के मौजूद है। पीछे जो आप रथ देख रहे हैं इसमें अमित शाह बैठेंगे और अमित शाह यहाँ से रोड शो करते हुए निकलेंगे। खास बात यह है कि नंदीग्राम की ये वो जगह है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर रियापाड़ा है। रियापाड़ा वही जगह है जहाँ पर ममता बनर्जी ने सबसे पहले शिव मंदिर में पूजा की थी और वहीं पे ममता बनर्जी का घर है। कुल मिलाकर इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ है और यहाँ तमाम समर्थक अमित शाह के इस रोड शो में शामिल होने के लिए आए हैं। नंदीग्राम का मुसलमान किसके साथ है, ममता के साथ है कि मोदी के साथ? बैटल ग्राउंड से संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने ये रिपोर्ट भेजी। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अमित शाह रोड शो करने वाले हैं। तमाम समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? शेख रुहुल इस्लाम। आज तो नंदीग्राम में आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, क्या लग रहा है, कितनी भीड़ है? शुभेंदु दा जीतेगा, बहुत बहुत बेहतरीन वोट सभी जीतेगा। अच्छा, क्या लग रहा है अमित शाह यहाँ पे आने वाले हैं, क्या कहेंगे, लोगों से बातचीत होगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? देखिए, परिवर्तन तो होना एकदम तय हो गया है, केवल 2 मई का हम लोग को इंतजार है। और नंदीग्राम से भारी मतों से जीतने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि इसी धरती के वो लड़का हैं और यहाँ के भूमि पुत्र हैं। उन्होंने केवल माने हिंदू नहीं, सारे संप्रदाय के लिए काम किया है। देखिए, मैं जैन हूँ, ये इस्कॉन के प्रभु हैं और हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, सभी के लिए काम किया है। बगल में दीदी का भी रोड शो चल रहा है, क्या कहेंगे, दीदी के में भी भीड़ आ रही? उसका पब्लिक नहीं है। अच्छा, हाँ, वो बहुत आवाज दीदी
है, वो बेकार का वो ढपका दीदी है, कोई काम नहीं करता है, वो झूठ का सा भी करता है। दीदी तो कोशिश करती है कि मुसलमान जो वोटर है वो उनके साथ ही। गलत बात है, वो तो शो में बोलता है मुसलमान, वो किसका काम क्या है, मुसलमान कोई उसका संग में नहीं है। मुस्लिम वोटरों की नाराजगी है क्या दीदी से? क्या चीज? मुस्लिम वोटरों की दीदी से नाराजगी है क्या? नाराज है। हाँ नाराज है। क्यों नाराज? वो तो कोई कुछ काम नहीं करता है, वही तो संपत्ति बोलता है मुसलमान लोग को हटा देगा। नहीं, हम लोग अमित शाह जी जो काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जो काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। नंदीग्राम में 35% मुसलमान है, किसके साथ है नंदीग्राम में जो मुसलमान? बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ? जी बीजेपी के साथ। हाँ बीजेपी का साथ है। नंदीग्राम में लगभग 35% मुस्लिम है, किसके साथ है? वो बीजेपी के साथ है। लेकिन यहाँ दावा किया जाता है कि मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं दीदी के साथ ज्यादा जुड़ा है। जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, और उसका जो इधर जो टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है ना, इसी के डर से वो बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन अंदर से सभी बीजेपी का समर्थक है। मुसलमान चाहता क्या है, किस किस सरकार बने, किस तरीके का बदलाव? वो बीजेपी का सरकार बने और शुभेंदु दा यहाँ से जीते, कम से कम 1,00,000 वोट से जीते। वो मुस्लिम ही चाह रहा है। नंदीग्राम में बदलाव होगा लग रहा है? जी बिल्कुल बदलाव होगा, लगभग 1,00,000 वोट में जीतेंगे शुभेंदु दा, क्योंकि इससे पहले भी पश्चिम बंगला का जनता मालूम हो गया, जो पश्चिम बंगला में ममता दी लेके मुसलमान को लेके खेल रही थी, क्योंकि अभी तो पता चल गया, देखिए ना सब बगल में अभी ममता दी का सभा हो रहा है, वहाँ पे पब्लिक नहीं है, पूरा शुभेंदु जी का सभा में देखिए, चाहता है जो शुभेंदु जी यहाँ पे जीते कम से कम लगभग 1,00,000 वोट में। नंदीग्राम के लोग हैं, नंदीग्राम के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में, यानी 35% मुसलमान नंदीग्राम के ब्लॉक 1 में है, और वो मुसलमान अब यहाँ पर आए हुए हैं नंदीग्राम में अमित शाह के रोड शो में। तो कुल मिलाकर यहाँ के लोगों का कहना है कि नंदीग्राम का मुसलमान इस बार दीदी के साथ नहीं बल्कि दादा के साथ है। मनीष, हम देख रहे हैं हर तरफ लोगों का समर्थन मिल रहा है, ममता का रोड शो हो या अमित शाह के इस रोड शो की जो अब से थोड़ी देर में शुरुआत होने वाली है, यहां भी लोगों की भारी भीड़ है। आज के दिन देखना होगा इस हाई प्रोफाइल सीट में कैसे तलखी, तकरार और तेवर नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ अमित शाह थोड़ी देर में आने वाले हैं, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। ये देखिए ये आधा किलोमीटर का ये रोड शो है, ये रियापाड़ा पे जाके खत्म होगा। रियापाड़ा वही जगह जहाँ से ममता बनर्जी ने जब शुरुआत करी रोड शो की, तो सबसे पहले यहाँ पे शिव मंदिर में पूजा की थी और उसी के सामने अपना पूरा एक बेस कैंप बनाया है, 5 दिन यहीं घर पर रुक रही है, और वहीं पर जाकर ही अमित शाह का ये रोड शो खत्म होगा। और ये जगह खास इसलिए भी है कि मैं जिस जगह खड़ू मेरे बाई तरफ ये नंदीग्राम ब्लॉक 1 है, और मेरे दाहिनी तरफ आप देखिए ये है ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक 1 में मुस्लिम मतदाताओं की भीड़ बहुत ज्यादा है, मुस्लिम मतदाता लगभग 35% है यहाँ, और 2.25 लाख वोटर्स में 35% मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका बहुत ज्यादा अहम मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर भारी मात्रा में तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और अमित शाह यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी अलग अलग जगह पर गाँव की तमाम पगडंडियों पर बाइक पर बैठकर यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, और यहां से थोड़ी ही दूर ममता बनर्जी भी व्हीलचेयर पर बैठकर रोड शो कर रही हैं। कल जिस वक्त ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर रोड शो कर रही थी, तो उन्होंने तीखे हमले किए, उन्होंने तमाम आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर, आरोप लगाया कि बीजेपी घर घर में गुंडे ला रही है नंदीग्राम में, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं चुनावी संग्राम यहां पर समर किस तरीके से माहौल गरम है। शाम को 4 बजे मिथुन चक्रवर्ती यहां पर रोड शो करेंगे, और आज चूंकि आखिरी दिन है इसीलिए पूरी बीजेपी ने जो यहां कैंपेनिंग का कमान है पूरा अमित शाह ने संभाला है। यहां पर अभी अमित शाह रोड शो करेंगे, उसके बाद देवरा में जाएंगे, लगभग 3 रोड शो हैं, और आखिरी रोड शो लगभग 3:30 बजे वहां पर होगा, और उसके बाद अमित शाह यहां से रवाना होंगे। चलिए, तो अमित शाह का ये रोड शो अब किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, ऐसी रोड शो की सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।